समिति सदस्य चावला लादनी एवं गुपलानी ने राजलक्ष्मी चौक रेलवे पदचारी पुल एवं मंथली सीजन टिकट शीघ्रता शीघ्र शुरू करने की मांग पुनः मंडल रेल प्रबंधक नागपुर विभाग से की है। मध्यम वर्गीय यात्रियों को निरंतर हो रही असुविधा को देखते हुए एक बार फिर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे गोंदिया स्टेशन सलाहकार समिति सदस्य इंजीनियर जसपाल सिंह चावला, लक्ष्मण लधानी और भेरूमल गोपलानी ने नागपुर विभाग मंडल रेल प्रबंधक से मांग कर राजलक्ष्मी चौक से दुर्गा चौक रेलवे पचारी पुलिया और मंथली सीजन टिकट शीघ्रता शीघ्र शुरू करने की पुरजोर मांग की है। समिति सदस्यों का कहना है कि गोंदिया रेलवे स्टेशन गोंदिया शहर को दो हिस्सों में बांटता है। अंडरग्राउंड का रास्ता खराब होने की वजह से शहर के लोग रेलवे पदचारी पुलिया का इस्तेमाल कर शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाने के लिए करते हैं। कोरोना काल के लंबे समय करीब 18 महीने से यह पदचारी पुलिया रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे गोंदिया शहर वासियों को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। गोंदिया शहर वासियों की इसी समस्या और असुविधा को देखते हुए समिति सदस्य लगातार मंडल रेल प्रबंधक से रेल का पचारी पुलिया खोलने की मांग कर रहे हैं। समिति सदस्यों का कहना है कि शहरवासियों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है कि रेल प्रशासन पुलिया को खोलने में देरी क्यों कर रहा है। अंततः समिति सदस्यों ने एक बार पुनः रेल प्रशासन से पचारी पुलिया खोलने की मांग बीसीएन न्यूज चैनल के माध्यम से भी की है। नमस्कार, मैं जसपाल सिंह चावला गोंदिया महाराष्ट्र से रेल सलाहकार समिति सदस्य गोंदिया स्टेशन, और साथ ही मेरे साथी श्री भेरूमल गोपलानी जी, ये भी रेल सलाहकार समिति सदस्य हैं, और लक्ष्मीचंद लदानी जी, ये भी मेरे साथी रेल सलाहकार समिति सदस्य हैं। जो बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम काफ़ी लंबे समय से रेल प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो दुर्गा चौक से राजलक्ष्मी चौक तक का ये जो पदचारिया पुल है, इसे शीघ्रता शीघ्र खोला जाए। करीब करीब 18 महीने कोरोना काल से यह पुलिया बंद है, और जैसा कि गोंदिया की भौगोलिक स्थिति है, गोंदिया शहर दो भाग में बटा हुआ है, और जो रेलवे है वो गोंदिया को दो भाग में डिवाइड करता है। वो आम पब्लिक को ये देख सकते हैं आप, ये अपना गोंदिया का पुलिया है जो राजलक्ष्मी चौक से दुर्गा चौक को जाता है, और इस पुलिया से करीब करीब गोंदिया की आधी जनसंख्या जो है वो रेलवे स्टेशन में एंटर होती है, या गोंदिया के उस भाग के लोगों को इस भाग में आना होता है तो वो भी इसी पुलिया का इस्तेमाल करते हैं, पदचारी पुलिया का इस्तेमाल करते हैं। पर कोरोना काल से करीब करीब 18 महीने से ये पुलिया बंद है। हम लगातार काफ़ी बार रेल प्रशासन से मांग कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, रिमाइंडर भी दे चुके हैं, ज्ञापन को रिमाइंडर के रूप में भी हम दे चुके हैं, और गोंदिया के जितने भी जो हमारे सम्माननीय नेतागण हैं उनसे भी हम विनती करते हैं कि इस पुलिया को शीघ्रता शीघ्र खुलवाने का प्रयास करें, क्योंकि गोंदिया के मध्यम वर्गीय लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पुलिया बंद है, जिस वजह से आम पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है, और आम शहरवासियों को भी काफ़ी तकलीफ हो रही है, व्यापारियों को भी काफ़ी तकलीफ है। व्यापारियों से रिलेटेड जो समस्या है उसकी जानकारी मेरे मित्र लक्ष्मण लदानी जी आपको देंगे, बताइए। मैं लक्ष्मण लदानी, रेलवे सलाहकार समिति सदस्य, मैं व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ, और काफ़ी सारे व्यापारी जो कि इधर ही मार्केट बसा हुआ है तो इधर से ही आना जाना करते हैं, तो वो मेरे को रोज़ शिकायत करते हैं और मुझसे एक बढ़िया सवाल पूछते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि जो इतने ऊपर तक पहुंच रखते हैं, रेलवे मंत्रालय तक और काफ़ी ऊपर तक, तो वो क्या कर रहे हैं और इसको क्यों बंद रखा गया है, उसका कारण जानना चाहते हैं। और यहाँ से स्टूडेंट भी आना जाना करते हैं, अभी दुर्गा उत्सव भी था तो पब्लिक भी दुर्गा देखने के लिए इधर से उधर आना जाना करती थी, सब डिस्टर्ब हो गए, सबको काफ़ी परेशानी हुई और हमें बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई है, तो मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए। रिलेटेड भी कुछ समस्या है और कुछ एमएसटी वाले लोगों से रिलेटेड समस्या है, उसकी जानकारी आपको भेरूमल गोपलानी जी देंगे। गोंदिया शहर की पब्लिक ट्रेन में सफर करने के लिए इसी पुलिया से आना जाना करती है, पिछले दो सालों से ये पुलिया बंद है। बंद होने के कारण इधर रामनगर, रेल टोली, पूना टोली, सूरत टोला तरफ से आने वालों को भी बहुत यात्रियों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि अंदर गाँव में आए दिन लाइट बंद रहती है, आज भी लाइट बंद है, छः दिन से लाइट बंद है अंडरग्राउंड की, तो आने वाले रामनगर वाले बेचारे को सुविधा बहुत परेशानी होती है, रामनगर आने वाले को बाजार जाने के लिए पूरा अंडरग्राउंड आज भी लाइट बंद है, आए दिन हरदम बंद रहती है, तो पुलिया जल्द से जल्द खोला जाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो। गोंदिया शहर की आधी पब्लिक यहाँ से चढ़ती है और उतरती है। जैसा कि सारे मेरे समिति सदस्यों ने भी जानकारी दी
कि ये पुलिया से आम पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं बीसीएन न्यूज चैनल के माध्यम से पुनः रेल प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि इस पुलिया को शीघ्रता से शुरू किया जाए। उनका जो दृष्टि है उसको भी जरूर करना चाहिए, वहाँ पर भी लाइट बंद रहती है और व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ाई भी अंडरग्राउंड की, और ये विषय नगर परिषद के सामने भी हम रखेंगे कि अंडरग्राउंड का जो रोड है उस पर सुधार किया जाए नगर परिषद द्वारा। साथ ही जो एमएसटी का महत्वपूर्ण विषय है कि मंथली सीजन टिकट जो है उसको भी रेल प्रशासन शीघ्रता से शुरू करे, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय जो इंसान है यात्री है उसको काफ़ी तकलीफ हो रही है, वो नागपुर और रायपुर तक अप डाउन करता था तो वहाँ पर उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो एमएसटी शुरू किया जाए। और गोंदिया में प्लेटफॉर्म नंबर 8 जो है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप रूप में जो है उसको विकसित किया जाए, और प्लेटफॉर्म नंबर 8 का विकसित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर दक्षिण पूर्व सारी दिशाओं से गोंदिया रेलवे स्टेशन में गाड़ियां आएंगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो महत्वपूर्ण तरीके से गोंदिया स्टेशन का विकास होना बहुत जरूरी है। बीसीएन न्यूज चैनल से अभिषेक भटनागर की न्यूज़।